बच्चा बैडमिंटन खेलना है उससे आपको प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात जो उसको तोड़ रहे कुछ नुकसान कर रहे हैं, साथ में तो हर आदमी घूमता है, वैसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चों को टिकट भी नहीं दे रहे हो, मशीन लेकर बैठ रहे हो, कभी क्या होगा, चार्ज नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हापुड़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क एक बार फिर सुर्खियों में आया है। बैडमिंटन खेलने को लेकर यहां विवाद हो गया। लोगों ने चौकीदार पर टिकट न बनाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर पार्क में आने वाले लोगों ने गार्डों पर टिकट न देने का आरोप लगाया है। जो पार्क में विवाद हो रहा था, क्या है पूरा मामला? ये लोग पैसा लेते हैं और उसकी टिकट नहीं देते हैं, मशीन खराब बताते और बच्चों से पैसा लेकर जेब में रख लेते हैं और निकलते समय भी उनसे पैसा नहीं देते हैं। विवाद ये था। तो अब इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि ये हम नहीं करते, ये तो जो सरकारी कर्मचारी है वो करते हैं, और सारे गार्ड एक जगह बैठे रहते हैं। विवाद एक ये भी है कि सारे गार्ड एक जगह बैठे रहते हैं, जो बच्चों के झूले हैं वो सारे तोड़ दिए गए हैं, उन पर ये ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो आज बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया गया? आज ये बच्चों को अंदर नहीं घुसने दे रहे, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी करना मना है, बैडमिंटन खेलना मना है। तो अगर ये आगे से ऐसा देखा जाता है फिर इन पर ध्यान दिया जाएगा। तो बच्चों को बैडमिंटन लेकर ये पूरा विवाद है? नहीं, विवाद तो ये पैसे को लेकर के है। ये बच्चों से चिढ़ गए, ये पैसे से चिढ़ गए हैं क्योंकि बच्चों ने टिकट मांग लिया था कल, इसलिए इन्होंने विवाद पैदा किया। बच्चे तो एक महीने से खेल रहे रैकेट इसमें जी। अच्छा, एक महीने से मैंने नहीं किया? नहीं, कल पैसे की बात को लेकर के विवाद पैदा किया इन्होंने। करना था तो पहले दिन ही करते ना, रैकेट तो हम वहीं से लेके जाते हैं। बच्चा बैडमिंटन खेलना है उससे आपको प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात जो उसको तोड़ रहे कुछ नुकसान कर रहे हैं, साथ में तो हर आदमी घूमता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चों को टिकट भी नहीं दे रहे हो, मशीन लेकर बैठ रहे हो, कभी क्या होगा, चार्ज नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ये कोई तरीका है? ये मैं हर तीसरे दिन आता हूँ, मुझे सुबह खराब बताई जाती है। मैं सुबह आता हूँ, शाम को चार्ज नहीं होगी तो कैसे निकलेगी पर्ची? तो चार्ज कौन करेगा? मैं करूँगा चार्ज। मैं तो मेरी छुट्टी 12 बजे हो जाती है। किसकी? मेरी। नहीं, ड्यूटी किसकी? इसकी चार्ज कर देगी 12 बजे के। देखो 12 बजे के बाद जो शाम को जाएगा वो मशीन लगा के जाएगा, अगर वो लगा के नहीं जाएगा तो मशीन चलेगी नहीं। अब मुझे बताओ, बच्चों को जाने दे रहे हो खेलने के लिए या कंप्लेंट करूं इसकी? बताओ। मेरी बात सुनो, कल आप चाय, मैंने पर्ची नहीं दी, बच्चे गए, मैंने पर्ची निकाल के दी। नहीं, मुझे ये बताओ, ये बच्चों को जाने दे रहे हो खेलने को या कंप्लेंट करूं इसकी? बच्चे ने मांगी, चलो हो गया, इसकी कंप्लेंट करूंगा। इसकी प्रेस करके बलकर हमसे समझा रहे थे, बेटा जब पर्ची ना दे कोई बात नहीं, क्योंकि हम आप बोलिए लगाते हैं बच्चे अंदर। बोलो भैया, नहीं तो कंप्लेंट करूंगा। बताओ, जाने दे रहे हो खेलने के लिए? नहीं, कंप्लेंट करूंगा मैं इसकी। नहीं, बोलो बैडमिंटन की? आप बैडमिंटन की नहीं, आप बैडमिंटन की बोलना जो भी बोलना, लेकिन मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, ये जो टिकट नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, जोक से करो, ठीक है। अब बैडमिंटन को तुम जाने दे रहे हो या मनाई कर रहे हो? अगर है मनाई बताओ ना तुम। अगर है मनाई, एक महीना अगर मनाई है तो मनाई करना, अगर नहीं मनाई है तो मना मत करना। मैं बता रहा हूँ, कंप्लेंट करूंगा लिखित में। मैं पढ़ा लिखा आदमी, कोई अनपढ़ आदमी नहीं, तुम्हारी तरह कहकर चला जाऊंगा। यहाँ पे क्या मेंटेन है? टंकी तक टॉयलेट के लिए मेंटेन नहीं है, वो लग रखी हुई है। बैडमिंटन की मनाई है खेलने की? मना है कहीं लिखित में? तो मैडम ने मना कर रखी है कि छक्का नहीं खेले कोई भी बाल आदमी, ना बॉल खेले, बात खत्म। नहीं, बॉल खेलने की मना है, बॉल की बात नहीं है। मैं बॉल की बात नहीं है। चलो आओ।